हेलो दोस्तों, बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अमरनाथ यात्रा की अपडेट्स टेलीग्राम में पहले ही दे दी जा चुकी थी। 29th and 30th June को हमने सारी बातें अपडेट कर दी थी टेलीग्राम पे, साथ ही कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपडेट किया था दोस्तों। तो अगर आप जुलाई में आ रहे हो, अगस्त में आ रहे हो, अमरनाथ यात्रा से पहले पहले आ रहे हो, तो कौन से टाइमिंग्स आपको फॉलो करने हैं और क्या आपकी आइटिनरी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दुर्गा पूजा बुकिंग्स के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो है पूजा वेकेशंस बहुत ही जल्दी हो रही दोस्तों, अक्टूबर स्टार्टिंग में ही हो रही है। जैसा हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था, अगर आप लास्ट ईयर के फिगर्स को देखोगे, कोरोना में भी रिकॉर्ड बना था दोस्तों दुर्गा पूजा का, और 1.5 महीने पहले से बुकिंग फुल हो चुकी थी सिर्फ वो 10 दिन के लिए। उससे पहले अगर आप आते हो या नवरात्रि के बाद आते हो तो आपको बजट होटल्स या कैब्स मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये 10 दिन होते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग कर लेनी होगी। क्योंकि पिछले बार जो कैब रेट्स है दोस्तों, इनोवा के अराउंड 4,500 पर डे एंड होटल्स के भी रेट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए थे नवरात्रि के टाइम। तो इसके लिए आप पहले से सोच विचार कर लें और अपनी प्लानिंग तैयार रखें दोस्तों। ये आपके सामने ATV राइड हो रही है, तंगमर गुलमर में ये होती है। वैसे तो बहुत सारी ATVs हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्ट नेटवर्क में लोग हैं, प्रॉपर ATV राइड होती है, प्रॉपर ड्यूरेशन की। ऐसा नहीं है कि पैसे पूरे ले लिए और आधा अधूरा आपको पॉइंट्स दिखा के वापस ले आए। जो भी ड्यूरेशन है वो फॉलो किया जाता है प्रॉपर रेट्स के साथ। टेलीग्राम में ऑलरेडी डिटेल्स दिए जा चुके हैं। जो लोग अभी गुलमर विजिट कर रहे हैं तो गंडोला एक्टिविटी के बाद ये आप कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, आपको सुबह जल्दी आना होगा और गुलमर्ग आपको 4:30 बजे तक छोड़ देना होगा दोस्तों। तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। बहुत से लोग क्वेरी करते कि ATV राइड हमें कहाँ मिलेगा, क्या रेट्स है, उनके लिए ये मैंने आपको बताया। टेलीग्राम पे आप चेक करोगे, पूरे डिटेल्स वहाँ ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। अभी के टाइमिंग्स में सेम डे अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आपके लिए ATV राइड नहीं है दोस्तों। आइडियली अगर आप स्टे कर रहे हैं तब आप आराम से जो है एक दिन जो है, जिस दिन आप आ रहे हो चेक इन कर रहे हो, उस दिन आप साइट सींग वगैरह कर सकते हैं, ATV राइड कर सकते हैं। अगले दिन सुबह आप गंडोला राइड करते हुए वापस जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको सेम डे रिटर्न करना है तो आपको सुबह बहुत जल्दी वहां पहुंचना होगा दोस्तों। 8 बजे तक आपको गंडोला पहुंच जाना होगा। रश कम हो गई है बट फिर भी आपको 8 बजे तक अगर आप पहुंचोगे तभी आप 2 बजे तक सब कुछ रैप अप करके वापस आप जाने का सोच सकते हो। अगर आप यहाँ 10 बजे आ रहे हो तो फिर अगर गंडोला में आपको लेट होता है और गुलमर्ग आप 4:30 तक नहीं छोड़ पाते तो हो सकता है आपको वहाँ स्टे करना पड़े, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों। कोई भी कॉम्प्रोमाइज इसमें नहीं की जा रही दोस्तों। गुलमर्ग में तो आप डे ट्रिप कर भी सकते हैं, बट सोनमर्ग पहलगाम में डे ट्रिप्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पहलगाम 12:30 बजे तक छोड़ देना है दोस्तों। मीन्स अगर आप सुबह सुबह 10 बजे तक पहलगाम पहुंच भी जाते हैं, श्रीनगर से 3 घंटे लगते हैं, अगर आप 10 बजे पहुंच भी जाते हैं तो आपको 12:30 बजे तक कैसे भी पहलगाम छोड़ना होगा, ताकि जो अनंतनाग का जो पोस्ट है उसको आप क्रॉस कर ले 3 बजे तक। अगर आप 3 बजे तक उसको क्रॉस नहीं कर पाते तो आपको पहलगाम में ही स्टे करना पड़ेगा दोस्तों। अभी ट्रैफिक जस्ट डबल है तो आपको पहलगाम से 12:30 तक तो चेकआउट करना ही होगा, तभी आप उस पोस्ट को, अनंतनाग वाले पोस्ट को आप टाइमली 3 बजे तक क्रॉस कर सकते हैं और 4 बजे तक आपको श्रीनगर पहुंच जाना है। और ये आपके सामने हापतखोट पॉइंट, जो कि गुलमर्ग फेज 1 से पोनी राइड लेकर लोग यहाँ पे आते हैं, बट आपको अब इतनी स्नो नहीं मिलेगी। ये जो वीडियो अराउंड 4 से 5 दिन पहले की वीडियो है। कुल मिलाकर अगर आप राइड एंजॉय करना चाहते हैं, गंडोला राइड फेज 1 फेज 2, तो आप गुलमर्ग जा सकते हैं। और गुलमर्ग अभी सबसे लेस क्राउडेड है तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 नाइट स्टे आपको करना चाहिए, क्योंकि डे ट्रिप का कोई फायदा नहीं है। आप जाओगे फिर आपको भाग कर वापस आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पे क्राउड कम है इस वक्त, गुलमर्ग है, वहाँ पे आप एटलीस्ट 1 नाइट स्टे कर लो, पहलगाम में 2 नाइट स्टे करो। टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया है कि कैसे आप 2 नाइट स्टे करोगे, तभी आप अरू बेताब भी घूम पाओगे, साथ ही पहलगाम भी एक्सप्लोर कर पाओगे। इवन 1 नाइट स्टे में आप अरू बेताब नहीं घूम पाओगे, क्योंकि अरू बेताब भी जो है दोस्तों 12:30 तक अरू बेताब भी क्लोज हो जाते हैं। आपको 12:30 से वहाँ से निकल के 1 PM तक वापस पहलगाम आ भी जाना है। आप निकलो कभी भी, लेकिन 1 बजे आपको वापस पहलगाम एंटर कर जाना है अगर आप अरू बेताब का टूर कर रहे हो। तो इस तरह गुलमर्ग में आप स्टे कर सकते हैं, पहलगाम में तो 2 नाइट स्टे आप कर ही सकते हो, आपको करना भी चाहिए। अगर प्रॉपर आपको एक्सप्लोर करना है पहलगाम रिलैक्सिंग वे में, 2 नाइट आपको वहाँ पे चाहिए, तभी आप अच्छे से घूम के वापस आप श्रीनगर आ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है कि कैसे आप 2 नाइट में अरू बेताब, बाइसरन, पोनी राइड, राफ्टिंग वगैरह करके आप वापस आ सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि पहलगाम एंट्री हो या पहलगाम से एग्जिट करनी हो, टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप लेट हो जाते हो एग्जिट करने में, अगर आप जो अनंतनाग चेक पोस्ट है उसको पास नहीं कर पाते हो टाइमली, तो आपको वापस पहलगाम जाना होगा दोस्तों। इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती है। उसी तरह अगर आप सोनमर्ग जा रहे हो दोस्तों, तो यू कांट हैव डे ट्रिप टू सोनमर्ग, बिकॉज अगर आप सोनमर्ग जल्दी पहुंच भी जाते हो,
तो 1 बजे तक आपको सोनमर वापस छोड़ देना होगा दोस्तों, ताकि आप जो चेक पोस्ट है सोनमर से पहले जो चेक पोस्ट आती है उसको आप 2 बजे तक एटलीस्ट क्रॉस कर सके। अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो आपको लेट भी हो सकता है 2 बजे से, उस केस में आपको वापस सोनमर में स्टे करना पड़ेगा दोस्तों। तो इन शॉर्ट, आप ना तो पहलगाम की डे ट्रिप कर सकते हैं, ना तो आप सोनमर की डे ट्रिप कर सकते हैं। गुलमर की आप डे ट्रिप कर सकते हैं अगर आप सुबह सुबह श्रीनगर से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें भी अगर आपको लेट होता है गंडोला राइड में तो 3 बजे के बाद आपको वापस गुलमर से अलाउड नहीं है दोस्तों बाहर निकलना, आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। 15 मिनट से आधे घंटे का रिलैक्सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी कहीं भी दोस्तों। तो बेटर है अभी के लिए अगर आप जुलाई में आ रहे हो तो 2 नाइट स्टे आप पहलगाम में रखो ही, 1 नाइट और 2 नाइट स्टे इन गुलमर्ग और तंगमर। तंगमर जो है मैंने आपको पहले बताया 10 किलोमीटर पहले आता है गुलमर्ग से, जो ये मेन टाउन है। यहाँ पर भी आपको होटल्स मिल जाते हैं और यहाँ के जो होटल्स हैं दोस्तों, जो कुछ होटल्स हैं वो गुलमर से काफ़ी अच्छे होटल्स हैं उस रेट्स में। मीन सेम होटल अगर आप गुलमर में देखोगे तो आपको 9 से 10,000 विद बोथ मील्स अभी लगेंगे, लेकिन वो सारे होटल्स तंगमर में जो है आपको 5,000 के अंदर अंदर मिल जाते हैं। रुफ़ैया जी ट्रैवल में कश्मीर के अंडर में सारे होटल्स हैं, ऑनलाइन से आपको कम रेट्स में होटल मिल जाएंगे। हमारे पर्सनल नेटवर्क में भी कुछ होटल्स हैं गुलमर्ग तंगमर्ग पहलगाम श्रीनगर में, हर जगह हमारे नेटवर्क में भी हैं। जो टूरिस्ट अभी कंफ्यूज हैं जुलाई में आएँ या अगस्त में आएँ, अगस्त में आप आओ, अमरनाथ यात्रा के बाद आओ, आपको फ्री होकर आप घूम सकते हैं। टाइमिंग्स का रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो जाएगा, अभी अगर आप आते हो तो आपको टाइमिंग्स का रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम है, उसको आपको फॉलो करना होता है दोस्तों। अगर इस टाइम पे आप कंफर्टेबल एक्सपीरियंस चाहते हो तो एक ही उपाय है, हैव 2 नाइट स्टे इन पहलगाम, 1 नाइट और 2 नाइट स्टे इन तंगमर्ग और गुलमर्ग, और बाकी जो आप श्रीनगर में स्टे कर सकते हैं सोनमर्ग आप स्किप कर दें। अगर आपको सोनमर्ग जाना है, कारगिल वॉर मेमोरियल जाना है, तो 1 नाइट स्टे एटलीस्ट आपको सोनमर्ग में करना पड़ेगा दोस्तों। और ये आपके सामने मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम बाइसरन वैली जिसे हम बोलते हैं, पोनी राइड होती है यहाँ पे पहलगाम से 5 किलोमीटर्स अंदर की तरफ यह वैली आती है। जैसे आपको पहले बताया गया है सोनमर्ग और पहलगाम में ये एक डोमिनेंट एक्टिविटी है पोनी राइड, यहाँ पे आपको ये राइड करनी है, सोनमर्ग में भी आपको ये एक्टिविटी करनी है दोस्तों। राइड्स एंजॉयबल हैं दोस्तों, बट साथ ही आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी यहाँ पे पोनी राइड्स के नाम पे होता है। अगर आप अवेयर नहीं हो राइड्स को लेके तो आपको यहाँ इजिली 4 to 5 times यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है। टेलीग्राम पे सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम पोस्ट किए जाते हैं दोस्तों। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपका ड्राइवर ऑनेस्ट है, आपका होस्ट ऑनेस्ट है, तो आपकी ट्रिप अच्छी होती है, वरना हर जगह आपके डबल पैसे भी खर्च हो सकते हैं दोस्तों। इवन आफ्टर बुकिंग होटल एंड कैब्स आपके खर्चे डबल हो सकते हैं, क्योंकि जब ड्राइवर ऑनेस्ट नहीं होता तो वो कमीशन बेसिस पे हर जगह काम करता है। कहीं पे आप कुछ भी करते हो, कुछ भी लेते हो, शॉपिंग करते हो, राइड करते हो, एक्टिविटीज करते हो, वहाँ पे आपको डबल चार्ज किया जाता है दोस्तों। हमारे कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी नए लोग आ चुके हैं, काफ़ी नौसिखिए लोग आ चुके हैं, उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं कि आपका यहाँ एक्सपीरियंस क्या रहता है, उन्हें बस अपना जो है शेयर चाहिए, फिर आप कैसा फील करते हो, कैसी आपकी एक्सपीरियंस रहती है, आप वापस कश्मीर आते हो या नहीं आते हो, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल करने से बचे। तो ये सब तो दोस्तों हो गई बातें, अब हम बात करते जो हमारे अमरनाथ यात्री हैं जिन्हें एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए बलटाल तक के लिए, पहलगाम के लिए है, वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ड्राइवर के कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। यात्री इसके लिए जो टाइमिंग्स हैं वो सेपरेट टाइमिंग्स हैं, टेलीग्राम में ऑलरेडी पोस्टेड किया जा चुका है, ज़रूर गो थ्रू करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे आए दोस्तों। बहुत से हमारे न्यू व्यूअर्स, हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स इंक्वायर कर रहे हैं हमारे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप सेल्फ प्लान कर रहे हो, आपको आइटिनरी प्लानिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे कौन से एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, कौन कौन से होटल्स हैं, बजट एरियाज कौन से हैं, इनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब फ्री गाइडेंस के लिए दोस्तों। लेकिन अगर आप हमारा टाइम चाहते हैं, हमारे एफर्ट चाहते हैं, तो इसके लिए पर्सनल गाइडेंस है दोस्तों। साथ ही आपके ट्रिप के एंड तक हम आपसे कनेक्टेड रहते हैं, आपके साथ कॉल पे बने रहते हैं, ताकि कोई भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन, अगर कहीं भी कोई मुश्किल हो तो हम उससे डील कर सके दोस्तों। डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिल जाएगी, जो लोग इंक्वायर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन देखें, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो पर्सनल गाइडेंस मेंबर्स हैं उनको कश्मीर गाइड डॉक्यूमेंट, जो हमारा कश्मीर गाइड PDF है, वो मिलता है, अराउंड 15 पेजेस की ये गाइड है दोस्तों। अगर आप इस गाइड को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारा दावा है कि एटलीस्ट 15 to 20,000 आप यहाँ पैसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज नॉट ए टिपिकल फेसबुक और यूट्यूब गाइड, आप उससे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है, और इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि सबको पसंद नहीं आती, स्पेशली जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के, जो मैंने आपको बताया, जो नए लोग हैं, नोवाइस लोग
लोग हैं जिनको आपके एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये तो पसंद नहीं आएगा दोस्तों। तो उम्मीद है कि अब सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।